दोस्तों आजकल की सोशल मीडिया की दुनिया में लोग काफ़ी कुछ जानते हैं। सोशल मीडिया पर हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ें वायरल होते रहते हैं, जिससे हम सोचते हैं कि दुनिया के लगभग हर एक चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों आप जानकर हैरान हो जाओगे कि हर साल लगभग 1 से 1.5 मिलियन जानवर इंसान की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए एनिमल रेस्क्यू करते हैं। आज मैं आपको ऐसे कुछ एनिमल रेस्क्यू की वीडियो दिखाऊंगा, तो इसे अंत तक जरूर देखना। दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर दूसरा वीडियो है, अगर आप इसका पार्ट वन देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। वीडियो देखने से पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूँ। नंबर 1, एक घटना साल 2014 की है। विस्कॉन्सिन की मेल्टाउन के एक जंगल से लोगों को एक अजीब तरह की आवाज सुनाई देते हैं, जो किसी जानवर की रोने की आवाज था। शायद वो जीव किसी मुसीबत में था और मदद के लिए पुकार रहा था। इसके बाद लोगों ने विस्कॉन्सिन डिपार्टमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स टीम को इन्फॉर्म की। उन लोगों ने आकर देखा कि भालू के दो छोटे छोटे बच्चे एक पेड़ के अंदर फंस गए हैं। वो पेड़ बहुत बड़े और अंदर से खोखला था, इसी कारण से भालू के बच्चे अंदर गए थे और बाहर नहीं आ सका। वो लोग पेड़ को काट भी नहीं सकते, क्योंकि उस पेड़ को भी बचाना जरूरी है। वो लोग पेड़ में तो छोटे छोटे होल बनाते हैं, जिससे वो भालू बाहर निकल आए। नंबर 2, ये वीडियो साल 2018 की है। यहाँ आप एक झील देख सकते हैं, जिसका पानी पूरी तरह से बर्फ बन चुका है और एक हिरन वहाँ पर फंस गया है, क्योंकि उसका पैर बर्फ से इतना फिसल रहा था कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। ज्यादा ऐसे रहने से वो मर जाएगा। लेकिन एक शख्स को नजर आते हैं और वो अपने बोट लेकर उसे बचाने के लिए जाते हैं। बर्फ के ऊपर से बोट ले जाना इतना आसान काम नहीं है। हिरन के पास पहुंचने के बाद वो उसे रस्सी से बांधकर किनारे तक ले आते हैं। नंबर 3, ये वीडियो साल 2013 की है। इंग्लैंड में रहने वाले एक फार्म ओनर की 100 से भी ज्यादा भेड़ बर्फ के नीचे अटक जाते हैं। बर्फ इतना तेज गिर रहा था कि उस जगह की लोकेशन ढूंढना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन उस फार्म मालिक के पास एक कुत्ता था, जो अपने सूंघने की क्षमता से उस जगह की पता लगाई और बाद में एक के बाद एक सभी भेड़ को जिंदा रेस्क्यू किया गया। आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे कि 2 से 3 दिन किसी भी खाना पानी के बिना वो सब बर्फ के नीचे जिंदा था। नंबर 4, ये घटना साल 2018 की है। कोस्टारिया की एक समुन्द्र के किनारे आप इस जीव को देख सकते हैं, जो दो पत्थर के बीच फंस गए हैं। एक स्लॉथ की बच्चा है। ओवा से बाहर निकलने के लिए लोगों से मदद मांगते हैं। उसकी आवाज सुनकर एक शख्स को नजर आते हैं और ओ उसे बाहर निकलकर अपना घर ले जाते हैं। उसके बाद उस जीप को एनिमल होम में भेज दिया गया था। नंबर 5, जंगल में बहुत सारे खतरनाक जीव मौजूद हैं, जिसमें से एक है तेंदुआ। ये कभी कभी इंसान के इलाकों में आकर पालतू जानवर को खा जाते हैं, कभी कभी तो इंसान के ऊपर भी हमला करते हैं। लेकिन फिर भी जब ये जीव मुसीबत में होते हैं तो लोग इसे मदद करते हैं। आज से करीब 6 साल पहले राजस्थान के एक गांव में एक तेंदुआ घुस आते हैं। प्यास लगने की वजह से वो जब पानी पीने जाते हैं तब उसकी सर एक वाटर पॉट में अटक जाते हैं। लोग उसे मदद करना चाहता था, लेकिन किसी के पास इतना हिम्मत नहीं था। अंत में फॉरेस्ट ऑफिसर आकर उस तेंदुए को नींद की इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद उस मटके को काटकर उसे सर से निकालते हैं। नंबर 6,
दोस्तों इस दुनिया में सबसे खूबसूरत जीवों में से एक है चिड़िया, जो अपने पंखों के सहारे आसमान में उड़ सकते हैं। ईगल, जिसे पक्षियों की राजा कहा जाता है, उसका हालत क्या हुआ देखिए। शिकार करने की लालच में वो कीचड़ में अटक जाते हैं और उसके दोनों पंखे कीचड़ में लोटपोट हो जाते हैं, इसलिए हजारों कोशिशों के बाद भी वो उड़ नहीं पा रहा था। उसके बाद एक शख्स को नजर आते हैं और वो आदमी अपनी जान की परवाह ना किए बिना उस ईगल को बचाने के लिए कीचड़ में जाते हैं और उसे बचा भी लेते हैं। नंबर 7, सर्दियों की मौसम में हम इंसान जितना एंजॉय करते हैं, जानवर उतना ही मुश्किल में जिंदगी जीते हैं। इस वीडियो को देखिए, ये साल 2013 की रशिया की एक वीडियो है। यहाँ आप एक डॉग को देख सकते हैं जो समुन्द्र की ठंडे पानी में एक बर्फ के ऊपर खड़ा हुआ है। ज्यादा समय ऐसे चलने से वो मर जाएगा। अचानक एक मछली पकड़ने की ट्रॉलर वहां पर आते हैं और उसमें से एक आदमी कुत्ते को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देते हैं। उसके बाद वो उसे किनारे तक ले जाते हैं। नंबर 8, गर्मियों की मौसम में पानी में ज्यादा देर तक नहाना इंसान के साथ साथ जानवरों को भी पसंद है। अफ्रीका की इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर एक हाथी का झुंड नहा रहा था, लेकिन उनमें से एक नन्हे हाथी गड्ढे में गिर जाते हैं। मादा ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। इसके बाद अफ्रीका की एलिफेंट रेस्क्यू टीम वहां पर आते हैं। और सबने मिलकर उस बच्चे को बचा लेते हैं। तो दोस्तों कैसे लगी हमारी वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर दूसरा वीडियो है, अगर आप इसका पार्ट वन देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। इन सारे वीडियोस में कौन सा वीडियो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आसानी से देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर देना। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, अनोन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। गुड बाय।